आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप आप ब्रीथिंग करें। जब आदमी ऐसे पैनिक मोमेंट में आता है या पैनिक अटैक उस बच्चे पे होता है, वो क्या करे? उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, मगर जब वो पेपर में अपेयर होते हैं, पेंसिल उठाते हैं, कलम उठाते हैं, तो उनका हाथ कांपना शुरू कर देता है। अस्सलाम वालेकुम जी, जुबैर अहमद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तवस्सुस से। और आज का हमारा टॉपिक है कि जी बच्चे 9th 10th सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो पेपर्स आने वाले हैं उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें, किस तरीके से अप्रोच करें और क्या लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमने साध अंजुम को मधु किया हुआ है अपने इस प्रोग्राम में, जो कि पिछले 10 से 12 साल से टीचिंग के शोबे से जो है मनसलूक हैं। सर ये बताइए, बच्चा पेपर जब जिस पहुँचता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो वो क्या उसकी तैयारी होनी चाहिए, क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से वो पेपर को अटेम्प्ट करे जो फर्स्ट टाइम 9th का पेपर देने के लिए बच्चा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुबैर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहां पर मधु को इनवाइट किया, मेरे बड़े ऑनर की बात है। और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू को रेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको एक बड़ा कॉमन एडवाइस सब जगह से मिलता है कि हाउ टू अटेम्प्ट देयर पेपर और हाउ टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। वो यही होता है कि आप जब पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, कॉन्फिडेंटली जाएं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो उसको आप अच्छे से थॉरली आप पढ़ें, उसको गो थ्रू करें और अच्छी डिसीजन मेकिंग करें। जो क्वेश्चन आपको करने के हैं उनको आप अच्छे से सिलेक्ट करें एंड देन एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के बाद आप फिर पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करें। बिल्कुल ऐसा। और माशाल्लाह बहुत से बच्चे इसमें कंफर्टेबल भी होते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जो कॉन्फिडेंट होते हैं। मगर हमें ये भी देखने को बहुत ज्यादा मिला कि बहुत से ऐसे बच्चे आकर कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, उनके पेरेंट्स भी इस बात को विटनेस करते हैं, उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, उनसे आप पूछे तो वो जवाब भी भरपूर तरीके से देते हैं, मगर जब वो पेपर में अपेयर होते हैं, पेंसिल उठाते हैं, कलम उठाते हैं, तो उनका हाथ कांपना शुरू कर देता है, वो नर्वस हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं और कहते हैं कि सब मिक्सअप हो गया और हम पता नहीं क्यों बिल्कुल ब्लैंक हो गए। जब आदमी ऐसे पैनिक मोमेंट में आता है या पैनिक अटैक उस बच्चे पे होता है, वो क्या करे? 4-5 मिनट का रिलैक्स मोड ले ले, अपने आप को काम डाउन करे, रीफोकस करे, कुछ पढ़े अपने ऊपर इस तरीके से कि जी वो अपनी सारी एनर्जी को रीगैदर करके दोबारा से पेपर पढ़े, तो शायद उसको चीजें क्लिक होना शुरू हो जाए। क्या आप सजेस्ट करते हैं इस बारे में? उनकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर एक तो अगर आपके ऊपर खौफ आ रहा है, तो फिर आप सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप पेपर रखें, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप आप ब्रीथिंग करें, ठीक है, आप 2-3 देन उसके बाद आप सिंपल बस पेपर लें, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप पूरा क्वेश्चन भी ना पढ़ें जहां आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपको डरा रहा है, यानी कि यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। बाज़ुकात क्या होता है सर, बच्चे को फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन में से जो पहला सवाल था ना वो आउट था और उसको 6 अटेम्प्ट करने थे, मगर जो पहला सवाल आउट था वो पहला सवाल पढ़कर ही उसका सारा हाथ पैर फूल गया कि ये क्या चीज आ गई है, और वो आगे जो है वो जो उसके लिए जो कंफर्ट जोन है उसने अभी तक उसको रियलाइज ही नहीं किया है और वो उसी में अपने आप को पैनिक कर गया और उसको लगा कि अचानक से उसके अंदर एक फीलिंग आएंगे, नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर जनरेट हुए कि आज उसका बेड़ा गर्क हो गया, आज उसका बड़ा बुरा दिन है, और फिर वही होता है कि वो आता भी नहीं कर पाता। तो उसका तरीका होता है कभी आप फिर पूरा पेपर नहीं पढ़ेंगे इस सिचुएशन में, आप सबसे पहले बस इस स्ट्रेटजी पे जाएं कि आपको जो सवाल आपने शुरू किए 2-3 लफ्ज देखे जिधर वो आपको अपनी तैयारी से रिजेम्बलेंस लग रहा है कि हाँ ये तो बड़ा देखा हुआ सवाल है, आप पहली फुर्सत में उस सवाल को अटेम्प्ट करें, अप्रोच करें और वो सवाल आप फौरन से अच्छे से गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो आप एक सवाल कर लेंगे उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे करें, होगा ये कि 30-40% पेपर तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। और 30-40% पेपर होने का मतलब है अभी आपको पता भी नहीं कि पूरा पेपर क्या है, सही, और आपका 30-40% पेपर हो भी चुका है, यहाँ पर आप का कॉन्फिडेंस लूज होने के जो चांसेस है ना वो खत्म हो गए, क्योंकि आप एक सेफ जोन में आ गए, क्योंकि अब आपको पता है आप माशाल्लाह क्लियर हो गए, आप जो है वो अपने पासिंग मार्क से आगे निकल गए, निकल चुके हैं। अब होगा क्या, इन केस अगर बाकी पेपर बहुत मुश्किल भी था या वो आउट भी था, लेकिन जो अभी आप 40% या 30% पेपर वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, अपने उसको पेपर पे आप लिख चुके हैं, तो उसके बाद जब मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप अपनी बेस्ट मेंटल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन एफिशिएंसी पर उसका भी आप कोई ना कोई तोड़ निकाल सकते हैं, और इन लास्ट इंशाल्लाह बड़ा हैप्पीली घर पे आएंगे। तो
9 और 10 क्लास में बोर्ड की पॉलिसी मुताबिक साइंटिफिक कैलकुलस अलाउ नहीं, आपकी तो लॉटरी निकल आएगी अगर आपका बोर्ड तो सेंटर अलाउ कर रहा है, तो चेक करने वाला इतना बेवकूफ नहीं है। और अगर कोई बच्चा अनफेयर मींस या चीटिंग की तरफ जाता है तो उसको वक्ती तौर पे तो सक्सेस नजर आ जाता है।